खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। कलकत्ता में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। महाराजा कासिम बाजार के महल के बाहर खुले मैदान में भारी संख्या में लोग जमा थे, जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। ढोल ताशे बज रहे थे, नारे लग रहे थे, जयकार हो रही थी। बाबू मोतीलाल घोष स्वागत सभा के अध्यक्ष थे। गांधी बोलते इससे पहले कई भाषण हुए। दीगर विषयों के अलावा ज्यादातर गांधी की प्रशंसा से भरे हुए। गांधी के मुताबिक जो हो रहा था अतिशयोक्तिपूर्ण था, बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। गांधी थोड़ा असहज, थोड़ा विचलित थे। कहा, मैं नहीं जानता कि क्या बोलूं। आपने जितनी तारीफ की है मैं उसके योग्य नहीं हूं। काश मैं इस काबिल होता, काश मुझ में इतनी ताकत होती कि मैं वो जिम्मेदारियां पूरी कर सकता जो आप मुझे सौंप रहे हैं। काश मुझ में इच्छा शक्ति पैदा हो। अपने भाषण में गांधी ने वलियम्मा, हरबत सिंह और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद रे को याद किया। कहा कि उन्हें अनावश्यक प्रशंसा और उत्साह प्रदर्शन से ज्यादा ताकत इन लोगों से मिलती है। सभा में सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, गांधी का नाम इतिहास में दर्ज होगा। वे कानूनों की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे, उन्हें मानेंगे लेकिन स्वीकार करते हुए उन पर जीत हासिल करेंगे। इसमें बंगाल के अराजक तत्वों के लिए एक संदेश है कि उन्हें क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए। गांधी बाद में बोले तो इस पर स्पष्टीकरण दिया। कहा, मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरी अंतरात्मा किसी कानून को गलत मानती है, स्वीकार नहीं करती, तो मैं उसे तोड़ूंगा और जेल जाऊंगा। दक्षिण अफ्रीका में मैंने यही किया और यहां भी यही करूंगा। कलकत्ता प्रवास में गांधी ने भूपेन बाबू के आतिथ्य से परेशान होकर उसे शिष्टाचार की पराकाष्ठा और मुसीबत कहा, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस सेवा भाव ने गांधी को त्रस्त कर दिया। गांधी ने कहा, मैं प्रेम और शिष्टाचार समझ सकता हूं, लेकिन दो एक मेहमानों के लिए इतने पकवान, इतने फल, पूरे परिवार का सारा दिन सारी रात व्यस्त रहना, यह असह्य है। कलकत्ता के अखबारों में इस दौरान गांधी पर कई खबरें छपी, लेख लिखे गए। एक खबर कासिम बाजार की जनसभा पर थी, जो अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। अखबार ने लिखा, सभा संपन्न होने से पहले मौलवी लियाकत हुसैन ने मंच से वंदे मातरम का उद्घोष किया तो भीड़ से भी जोर से वही आवाज आई। मैदान गूंज उठा। दृश्य अद्भुत था। बाद में वंदे मातरम का समूह गान हुआ। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।